सो जितने भी जीबी व्हाट्सएप यूजर हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। वीडियो कंप्लीट वॉच करना। इस वीडियो में हम जीबी व्हाट्सएप के टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा और सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके डेली लाइफ में यूजफुल होने वाली है। वीडियो कंप्लीट वॉच करना विदाउट स्किप किए हुए चैनल पर फर्स्ट टाइम बैठ के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज आगे भी इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रिक्स की बात करें तो आप व्हाट्सएप के ऑफिशियल एप्लीकेशन में ना आप अपना थीम को यहाँ पे बदल नहीं सकते हो, लेकिन हाँ जीबी के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है थीम को कलर को चेंज करने के लिए। सिंपल प्लस आइकन पे टैप करेंगे, थीम आइकन पे टैप करेंगे, यहाँ इस तरीके से ऑप्शन शो होगा, यहीं पर आपको मिलेगा थीम, इस पर टैप करेंगे। अब देखिए यहाँ आपको मिलेगा डाउनलोड थीम और यहाँ मिलेगा लोड थीम। डाउनलोड थीम पे क्लिक करके आप एक्सटर्नल साइट से यहाँ पे इंक्लूड कर पाओगे, लेकिन लोड थीम पे टैप करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी मतलब फाइल की एक्सेस आ जाएगी। अगर आपने कोई ऐसी थीम यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए तो आप यहाँ से उसको भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं और यहाँ पे देखिए डाउनलोड थीम, यहाँ पे इस पर टैप करेंगे तो प्रिपेयरिंग होगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा और यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। बस इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको जो पसंद आए उसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद जैसा यहाँ पे इंटरफेस यानी UI दिख रहा है, सेम इस तरीके से आपका व्हाट्सअप चैट भी दिखने को मिलेगा। ये चीज़ व्हाट्सएप का ऑफिशियल में नहीं मिलेगा, सिर्फ GB में ही आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। तो नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो ये ट्रिक है लास्ट सीन से रिलेटेड। लास्ट सीन आपको व्हाट्सएप का ऑफिशियल के अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, आपको यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले ऊपर 3 डॉट पर टैप करेंगे, यहाँ मिलेगा GB सेटिंग, फर्स्ट ऑप्शन पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आएंगे ना, तो ऊपर में ही आपको मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आप इस पर टैप करेंगे। उसके बाद मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, सारे ऑप्शंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझना। ऊपर मिलेगा हाइड ऑनलाइन स्टेटस, बस आपको जस्ट इसको यहाँ से ऑन करनी है। ऑन करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा फ्रीज लास्ट सीन, प्लीज़ रिस्टार्ट व्हाट्सएप फॉर सेंड टू टैग इफेक्ट। वहाँ पे क्या है कि आपका लास्ट सीन दिखेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट सीन है ना थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। वो बंदा समझ नहीं पाएगा ना कि आप कब ऑनलाइन कब ऑफलाइन क्या कर रहे हो, वो भी थोड़ा कन्फ्यूज सा रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा जो मैं बोला ना डिफ़िकल्ट, तो मुझे डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा भी है गुमराह करने के लिए। तो ये आपने एक अकॉर्डिंग इसको यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो ये है कॉन्टैक्ट स्टेटस से लेकर। आप अपने ऑफिशियल के व्हाट्सएप में भी स्टेटस प्राइवेसी सेटिंग करना जानते हो, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट सेटिंग्स नज़र आएगी जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सिंपल 3 डॉट पर टैप करेंगे, GB सेटिंग्स पर टैप करेंगे, ऊपर मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यहाँ मिलेगा स्टेटस और नीचे मिलेगा कॉन्टैक्ट्स, इस पर टैप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा ना कि आप स्टेटस जो कॉन्टैक्ट सिलेक्ट है, यहाँ पे देखिए हाइड ब्लू टिक, हाइड सेकेंडरी, हाइड ब्लू माइक्रोफोन, हाइड टाइपिंग रिकॉर्डिंग, अच्छे से समझना। हाइड ब्लू टिक मतलब आप चेक मार्क कर लेते हो इस तरीके से और ओके पे टैप करोगे तो आप किसी का मैसेज को रीड करो, यहाँ पे ब्लू टिक हाइड हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा आपने मतलब यहाँ पे रीड किया या नहीं। ये चीज़ तो ऑफिशियल के अंदर भी है रीड एंड रिसीव करके, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी ऑप्शन मल्टीपल है। जैसे हाइड ए सेकेंड टिक, आप इसको यहाँ चेक मार कर लेते हो ना तो जैसा कि वहाँ पे डबल टिक लगता है ना तो डबल टिक भी नहीं शो होगा। हाइड ब्लू माइक्रोफोन, आप वॉइस मैसेज सेंड करोगे तो वहाँ पे मतलब उसके नीचे भी ब्लू टिक लगता है, वो भी बंद हो जाएगा। हाइड टाइपिंग रिकॉर्डिंग, ये सबसे इंटरेस्टिंग है जो कि मुझे इम्प्रेस किया है, ये टू टाइपिंग और रिकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ पे जैसे आप किसी को मैसेज टाइप करते हो तो अगले को पता चल जाता है कि हाँ आप टाइपिंग कर रहे हो, क्योंकि स्टेटस बार में टाइपिंग लिखा हुआ शो होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको यूजफुल लगे अपने हिसाब से इसको चेक मार्क कर लेना, वो चीज़ आपके अकाउंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ट्रिक की बात करें तो ये है ग्रुप से रिलेटेड। जो लोग ज़्यादा ग्रुप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं तो उनके लिए GB बहुत भर के ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले 3 डॉट पर टैप करेंगे, सेटिंग्स पर टैप करेंगे, सॉरी सेटिंग पर नहीं GB सेटिंग्स पर टैप करेंगे, मैंने रॉन्ग ऑप्शंस को चूज किया। ऊपर में GB सेटिंग्स पर टैप करेंगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाएंगे, अगेन नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ग्रुप, इस पर टैप करेंगे। ये चीज़ आप ग्रुप में भी कर पाओगे, जो भी मैंने आपको बताया ना कि आप इस तरीके से हाइड कर पाओगे, सेम आपको ऑप्शंस ग्रुप में भी अप्लाई करने का मिलेगा। वो चीज़ अपने अकॉर्डिंग ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप ग्रुप में किसी का मैसेज को रीड करो, पता ही नहीं चलेगा, सेकेंड टिक को भी हाइड करना चाहते हो तो भी हाइड कर सकते हो, मतलब आपको भर के ऑप्शंस ग्रुप के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो फ्रेंड्स अक्सर आप देखे होंगे हमें व्हाट्सएप पे कोई ना कोई कॉन्टैक्ट ऐसी मिल जाती है जो हमें बार बार कॉल करके परेशान करता है, और आप ये
सब चीज़ समझ रहे हो कि हम जब काम करते हैं तो कॉल करना किसी को पसंद नहीं है कि हम कॉल रिसीव करें बार बार, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ, तो आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप के अंदर ना ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसे आप उसको ब्लॉक कर पाओ। हाँ, आप डायरेक्ट उसको ब्लॉक कर सकते हो, आप उस कॉल को हाइड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जीबी में ना आपको एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट आपको मिलेगा। सिंपल थ्रेड पर टैप करेंगे, जीबी सेटिंग्स पर टैप करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे ना तो यहाँ मिलेगा एक कॉल का सेक्शन, हु कैन कॉल मी, यहाँ पे चूज़ करेंगे यानी टैप करेंगे। अब यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है हु कैन कॉल मी, मतलब आप किस किस को परमिशन देना चाहते हो कि आपको कॉल कर सके। एवरीवन पर सेलेक्ट करोगे ना तो फिर कोई भी पर्सन आपको वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो आपको करके परेशान कर सकता है। माई कॉन्टैक्ट पे सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ जो ही नंबर से कॉल आएगी जितने नंबर आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किए होंगे। एंड उसके बाद मिलेगा माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे आप मतलब सेलेक्ट इस तरीके से क्लिक करोगे ना तो यहाँ आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो जाए जितने आपके मोबाइल में सेव होंगे नंबर। तो आपने यहाँ पे जितने बंदे को सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और उस ग्रुप में एक बार आप कॉल कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पे कॉल से बचना है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नो बॉडी पे सिंपल सा क्लिक करना है। नो बॉडी पे क्लिक कर दोगे तो आपको कोई भी वीडियो कॉल हो ऑडियो कॉल हो परेशान नहीं करेगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा ना कि हाँ आपको मिलेगा एक्शन रिक्वायर्ड। इसका बेनिफिट ये है ना कि आप एक्शन रिक्वायर्ड में देखोगे तो नो इंटरनेट कॉलिंग, कॉल डिक्लाइंड, नॉट आंसर। यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड क्या है कि आप अगर चाह रहे हो कि हमें कोई परेशान कॉल कर रहा है बट उसको पता ना चले कि हम जानबूझ के सेटिंग्स किए हैं, तो यहाँ पे नो इंटरनेट सेलेक्ट कर लोगे ना और यहाँ आप माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, राइट। अब माई कॉन्टैक्ट और नीचे है नो इंटरनेट, वो कोई भी आपके कॉन्टैक्ट से नंबर जो सेव है वो कोई भी कॉल करेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये बंदा का नेट ऑफ है इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहा। लेकिन आपने तो नेट ऑन करके यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये सेटिंग्स से आप इस चीज़ कर पाओगे और आप बच भी सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो फ्रेंड्स अक्सर आपने देखे होंगे और आप ये चीज़ करते भी होंगे, जैसे हमें कोई मैसेज सेंड किया या इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी हो सकता है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकती है, तो हम सिंपल उस पर लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करके सीधा हम फॉरवर्ड करते हैं। तो आप कोई मैसेज जब फॉरवर्ड करोगे ना टैप एंड होल्ड करके, जैसे मेरे पास कोई मैसेज नहीं आई हुई है, हम इस पर लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करके फॉरवर्ड करेंगे तो उसको पता चल जाता है ना कि ये मैसेज फॉरवर्ड की गई है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग सा इंटरफेस उसको मोबाइल में दिखने को मिलेगा थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। बट आप इस सेटिंग्स को यूज़ करके ना ये चीज़ नहीं, मतलब इस चीज़ से रोक सकते हो। ये चीज़ जीबी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। सिंपल थ्री डॉट पर टैप करेंगे, यहाँ मिलेगा जीबी सेटिंग्स पर टैप करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे नहीं आना है, ऊपर में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर टैप करेंगे। अब नीचे आना है और यहाँ मिलेगा, देखिए चैट के नीचे डिसेबल फॉरवर्डेड, ये ऑन रहेगा। देखिए पहले तो ये ऑफ रहेगा, ठीक है, बस आपको अपने को यहाँ से ऑन करना है। ऑन कर लेंगे यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है अलाउ यू टू री सेंड मैसेज विदाउट फॉरवर्डिंग टैग। अगर आप किसी का मैसेज को फॉरवर्ड करते हो तो वहाँ पे उसका टैग नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने ही मैसेज को फर्स्ट में सेंड किया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हो। तो नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो ये ट्रिक आपको व्हाट्सएप के ऑफिशियल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, अभी भी अपडेट भी कोई नहीं आई हुई है, ये सिर्फ आपको जीबी के अंदर मिलेगा, ठीक है। देखिए जैसे मान के चलो आप किसी से बातें कर रहे हो, ठीक है, और मान के चलो वो बंदा डिलीट फॉर एवरीवन भी कर देगा ना तो फिर आप तक ये मैसेज रहेगी। चलिए मैं अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक डिवाइस है, ठीक है, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। पहले मैंने इसका देखिए चैट ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से हाउ आर यू इस तरीके से लिख के सेंड करता हूँ, ठीक है। हाउ आर यू मैंने टैप किया, सेंड किया, ठीक है। अब ये मैसेज देख सकते हो यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अब यह मैसेज को मैं यहाँ से ओपन कर लिया, ठीक है, मैसेज देख लिया। अब मैं इस मैसेज को ना यहाँ से डिलीट फॉर एवरीवन करूँगा, इस पर लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे, डिलीट आइकन पर टैप करेंगे, डिलीट फॉर एवरीवन पर मैंने टैप किया, डिलीट फॉर एवरीवन मैंने टैप कर दिया, बट अभी भी ये मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा लोगो दिख रहा है, देखिए इस तरीके से लोगो दिख रहा है कि हाँ मैसेज इन्होंने डिलीट फॉर एवरीवन किया है, बट मेरे पास ये मैसेज अभी भी शो हो रही है। तो ये है जीबी का इंटरेस्टिंग फीचर्स। अब ये काम कैसे करेगा, हो सकता है आप में ये काम नहीं कर रहा होगा, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से साइड कर लेता हूँ। अब देखिए ये सेटिंग्स को इनेबल करनी पड़ती है, कैसे, यहाँ से बैक कर लेंगे सबसे पहले और यहाँ थ्री डॉट पर टैप करेंगे, यहाँ सेटिंग्स पर जाएंगे, जीबी सेटिंग्स पर जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर टैप करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ आपको भर भर के ऑप्शंस मिलेंगे, यही मिलेगा एंटी डिलीट मैसेज। सिंपल ये ऑफ रहेगा ना, आपको यहाँ से ऑन करनी है। ऑन करोगे तो यहाँ पे देखिए नीचे में इसका डिस्क्राइब भी दिया हुआ है, अदर पीपल कैन नॉट डिलीट मैसेज फॉर यू, वो डिलीट कर सकता है बट आपके तरफ से डिलीट नहीं होगी। तो इसको हमेशा ऑन करना, अगर बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है
तो मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन करेगा तो भी आपके पास उसका सारा डिटेल्स रहेगा, तो आप इसको हमेशा ऑन करके ही रखना, आपके लिए बेटर हो सकता है। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है और ये तो मुझे लग रहा है कि सब लोग यूज़ करेंगे। जैसे मान चलो आपको कोई व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड किया, जैसे ही आपने उस मैसेज को रीड करोगे तो अगले के पास ब्लू टिक लग जाती है, उससे पता चल जाता है कि हाँ आप मैसेज को रीड कर लिए हो। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगा कि आप ब्लू टिक से हाइड कैसे करोगे, ये चीज़ तो ऑफिशियल के भी अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर देखना सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, मैं ये दूसरा डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ और हम यहाँ से सेकेंड व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन करके हम इस पर मैसेज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से इस चैट को लिया और मैं यहाँ से सिंपल हाउ आ रही है कोई भी मैसेज को टैप कर लिया इस तरीके से और मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए अभी भी टाइपिंग दिखा रहा है। यहाँ पे भर भर का ऑप्शन आपको जीबी के अंदर मिल जाएगा, हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, राइट। जैसे ही मैंने मैसेज सेंड किया था यहाँ पे देखिए मैसेज रिसीव हो चुका है, अब मैसेज को ओपन कर लिया। बट आप गौर करो यहाँ पे, जब मैसेज यहाँ पे रीड कर लिया हूँ लेकिन यहाँ भी अभी भी ब्लू टिक नहीं शो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग कर रखी है दूसरा। अब देखिए ब्लू टिक अब शो होगा, जैसे मान के चलो इस मैसेज का मैं जैसे ही रिप्लाई करूँगा ना यहाँ से, जैसे मान के चलो मैं रिप्लाई करता हूँ कि फाइन, उन्होंने पूछा हाउ आर यू, मैंने टाइप कर दिया फाइन, अब रिप्लाई किया, रिप्लाई कर दिया, उसके बाद आप जाके देखोगे ना यहाँ पर ना, तो आपको ब्लू टिक दिखने को मिलेगा। देखिए मैं कैमरे के एकदम पास लेके आया हूँ, देखिए यहाँ ब्लू टिक दिख रहा, मतलब यहाँ पे जो सेटिंग्स है ना, मुझे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सेटिंग्स जो है ना आप यहाँ पे कर पाओगे कि जब तक आप उसको रिप्लाई नहीं दोगे तब तक यहाँ पे ब्लू टिक उसको दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग मुझे यही लगा कि जब आप रिप्लाई करोगे ना तभी उसको ब्लू टिक दिखेगा। ये सेटिंग्स आपके जीबी में अवेलेबल है, बहुत लोग अभी भी इस सेटिंग्स से अनजान है। सिंपल फिल्टर पर टैप करेंगे, ऊपर मिलेगा जीबी सेटिंग्स पर टैप करेंगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई, बस इसको यहाँ ऑन करनी है। ऑन करने के बाद आपका काम डिफरेंटली हो गया, अब आप किसी के मैसेज को रीड करो बट उसको ब्लू टिक नहीं शो होगा तब तक जब तक आप उसका मैसेज का रिप्लाई ना कर दें, तो ये आप ज़रूर यूज़ करना। ट्रिक की बात करें एंड लास्ट ट्रिक की बात करें, मतलब ये लास्ट ट्रिक है, बट वीडियो को लाइक कर देना अभी तक यहाँ तक आ चुके हो तब, और भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं इस चैनल पर और भी जीबी से रिलेटेड बहुत सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स लाने वाला हूँ। ये जो ट्रिक्स है ना, इसमें क्या होगा कि आप किसी का व्हाट्सअप स्टेटस को देख सकते हो एंड उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, एंड इसके साथ साथ अगर वो व्हाट्सअप स्टेटस को डिलीट कर भी देगा ना तो आपका व्हाट्सअप स्टेटस में उसका स्टेटस अभी भी शो होगा। वो चीज़ कैसे करना है, सिंपल सेटिंग पर टैप करेंगे, जीबी सेटिंग्स पर जाएंगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ मिलेगा हाइड व्यू स्टेटस, इसको ऑन करना, उसके बाद सेकेंड मिलेगा एंटी डिलीट स्टेटस, इसको भी ऑन करना। इससे जो सेकंड ऑप्शन को इनेबल कर लोगे ना तो कोई भी बंदा अपना व्हाट्सअप स्टेटस एक बार शेयर करके डिलीट कर देगा तो भी आप तक उसका स्टेटस डिलीट नहीं होगी, आप उसको डेफिनेटली देख पाओगे। ये दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। तो आई होप कि ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई हो, इंस्टेंट इस आईडी पर मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।